आपकी कंपनी में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उस प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस ना करें, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे फोकस करें। मैं भाविका महेश्वरी, आज मैं रामायण से सिक्स्थ लीडरशिप मैसेज लेकर आई हूँ, जो कि है विपत्ति के समय हिम्मत से खड़े रहे। अब आपने रामायण में देखा होगा कि श्री राम पर समय समय पर प्रॉब्लम्स आई, कि जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया, राज्य मिलने वाला था पर उन्हें वनवास 14 वर्षों का दे दिया, फिर सीता मैया का हरण हो गया, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, मतलब राम जी पर बहुत प्रॉब्लम्स आई, पर तो भी श्री राम हर प्रॉब्लम का इतने अच्छे से सॉल्यूशन कैसे निकाल लेते थे। इसका राज ये है कि श्री राम प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करते थे, वो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे फोकस करते थे, इस कारण से सॉल्यूशन आ जाता था। अब आपकी कंपनी में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उस प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस ना करें, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे फोकस करें। आजकल के लोग अगर कंपनी में थोड़ी भी प्रॉब्लम आ जाए तो सुसाइड कर लेते हैं। अरे 84 लाख योनियों के बाद आपको यह शरीर मिला है। हम सब बहुत यूनिक हैं, हमारे थंबप्रिंट किसी के भी सेम नहीं होंगे, कानों की जो है ये शेप किसी का भी सेम नहीं होगा, आंखों की पुतलियाँ किसी की भी सेम नहीं होंगी, हमारा जो ब्लड है आज तक किसी भी लेबोरेटरी में नहीं बना है, और हमारी जो आंखें हैं उससे अच्छा आज तक कोई कैमरा आया ही नहीं है। यानी इससे ये प्रूफ होता है कि भगवान ने हम सभी को बहुत यूनिक बनाया है, तो हमें सुसाइड बिल्कुल नहीं करना है, कर्म करते रहना है, फल की चिंता नहीं करनी है। और एक और बार मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि प्रॉब्लम पे फोकस ना करें, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे तो सॉल्यूशन जरूर निकल के आएगा। थैंक यू।